नव डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की रात का गश्त पर मामूर कारियों की सरप्राइज ट्रैकिंग। डीपीओ ने गश्त ड्यूटी पर मामूर अफसरान और मुलाजमान को अलर्ट होकर प्राइज अंजाम देने की हदायत जारी की। डीपीओ ने अफसरान को हदायत की कि मरबूत हिकमत अमली के तहत मौसर गश्त को यकीनी बनाया जाए। अमन अमान का क्याम लोगों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फराबाद वादीलीफा में मुसाफिर जीप हादसे का शिकार हो गई। 3 अफराद जख्मी। मुसाफिर जीप रिशिया से लीफा बजलधार जा रही थी। हादसा तुलावाड़ी के मुकाम पर पेश आया। हादसे में राजा राइस खान, रिजवान खान और सुफियो रहमान कुरैशी जख्मी हुए। जख्मियों को महकमा सेहत के मुलाजिम दाऊद उस्मानी ने मौका पर फर्स्ट एड दी। जख्मियों को MST लीफा मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बर्फबारी में फिसलन के बाद पेश आया। साहिवाल थाना गला मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट क्राइम और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्वस दो गैंग गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी खावर अली की इस रिपोर्ट में। सीनियर न्यू ईयर नाइट के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। DPO चनियोर सैयद हसनैन हैदर का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। DPO ने मुख्तलिफ नाकाबंदी पॉइंट्स की चेकिंग की। DPO ने शदीद सर्द मौसम में ड्यूटी पर मौजूद अफसरान मुलाजमान की हौसला अफजाई की। न्यू ईयर नाइट के मौके पर पुलिस के 200 से ज्यादा अफसरान मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। साहिवाल, नए साल की आमद है और पिछले साल हमने क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से आवाम क्या कहती है, रिपोर्ट शामिल करते हैं राना जुल्फिकार सरवर की। साल नया साल आया, अल्लाह पाक अपने मान से रखे। हमें नया साल की आने की खुशी में हमें चाहिए रात को इबादत करनी और नफल पढ़ने और तहज्जुद पढ़नी और शुक्र अदा करना, इसलिए कि हमें नई ज़िंदगी दोबारा फिर अता अल्लाह पाक ने अता करनी। अल्लाह पाक दे सदके जाइए, उसने ये जो नमाजें हैं फ्री है, ये सब कुछ फ्री है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। हमें ज़िंदगी दी, हमें तंदरुस्ती दी, हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करोना भर शुक्र है। नए साल आने के हमारी ज़िंदगी का इजाफा होना है, हमारे ये भी होना चाहिए कि हमें जो नया साल आना है उसके हकूक जो है जो चलना चाहिए ऐसे चलना चाहिए कि जो हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, उसी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि हमें चाहिए कि दुआ करनी चाहिए हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए चाहिए। वक्त आए, पिछला जो वक्त गुजर गया वो तो दलीलों खुआर हो गए, असी महंगाई के नाल पिस गए हैं। मैं खुदा रसूल का वास्ता पाना यार इमरान खान के, या अल्लाह इन्हू कोई हदायत दे दे, गरीबों का कोई सोच लवे, थोड़ी मेहरबानी होगी। अजीम पिस गए हैं और बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अल्लाह पाक रहमत करे। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक जी। मैं कहने का मकसद है भी अल्लाह का अल्लाह ताला के दुआ करें आप नए साल के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, नफल पढ़ें, तो ज़रूरी नहीं ये पटाखे छुलियाँ चलाएँ तो इसका करें नहीं। साहिवाल जोगी चौक और इसके इर्द गिर्द का इलाका एक अहम तजारती मरकज़ है और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोगों का हजूम रहता है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ट्रैफिक के निज़ाम को रोकने के लिए ट्रैफिक का अमला गायब पाया जाता है और इनके ताउन से रिक्शा ड्राइवर बगैर लाइसेंस के अरसा दराज से ड्राइविंग करते आ रहे हैं और इसी वजह से आए रोज इस चौक में हादसात बायस बनते हैं। देवपुरा फैसलाबाद रोड बाईपास पर तेज रफ्तार राजा बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसा लापरवाही के बायस से पेश आया। हादसे में बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू वन में टूटू शेखपुरा की इमदाद टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 जख्मी मुसाफिरों को तिबी इमदाद दी गई, जबकि 3 जदीद जख्मी मुसाफिरों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद, दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। कश्मीरी आवाम सराफा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के 150 दिन मुकम्मल। बुरहान वानी चौक में खवातीन और बच्चियों का भारतीय जवाब के खिलाफ एहतजाजी धरना। पासवान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के जेर तमाम सैकड़ों खवातीन, बच्चियाँ और बच्चे धरने में शरीक। भारतीय हुकूमत और फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी।